पे भी नहीं लगाए, हेक्टिक हो जाता है बंदा, ड्रेन हो जाता है, इतना एग्जॉशन एट द एंड ऑफ द डे फील होने लग जाती है। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज एक्टिव एट 12 ऑल्सो, आई वॉज एक्टिव एट 1 AM ऑल्सो। तो हम अपने आज के दिन का आगाज करते हैं, आज का पहला सेशन जो कि स्टार्ट होना था 12 बजे, बट वी आर लेट, बट दैट्स ओके। सबसे पहला सेशन है, मिर्ज़ा अतर बेग साहब हमारे सामने मौजूद हैं, हम में मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ हैं। मैं दावत देना चाहूँगी मिर्ज़ा अतर बेग साहब को, और नईम वर्क साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुकालमा होने लगा है, एक बहुत अच्छा सेशन। प्लीज़ आपकी पुरजोर तालियों में वेलकम कीजिए मिर्ज़ा अतर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नईम वर्क साहब। अस्सलामु अलैकुम। तो कल के बड़े भरपूर दिन के साथ इतवार को मेरा ये ख्याल था कि शायद लाहौर में लोग ताखीर से जागते हैं, लेकिन हाजरीन की तादाद देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये रिवाज शायद पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के शहरों में कम अज़ कम मौजूद है। तो हम बात करेंगे मिर्ज़ा साहब से। कल आपने सुना उनका कीनोट, और उसमें तकरीबन इंसानी तारीख कोई जो 1 लाख से भी ज़्यादा बनती है उस सब का एक जायज़ा और फिर एक थियोराइजेशन जो है वो आपने देखी कि आज हम दो तरह की जो तख्लीक हमने की थी, टेक्नोलॉजिकल और उसके साथ साथ फनकाराना, तो उसके कोई संगम का, कोई मेल का, कोई मुकालमे का जो अहवाल है वो आज क्या हो सकता है। तो यहीं से जो है वो हम अपनी बात शुरू करते हैं। सर हम सबसे पहले ये बात मेरा ख्याल करते हैं कि आपके यहाँ या हमारे यहाँ एक जो सिचुएशन है जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन भी कहते हैं, तो उसमें एक देसी आदमी के लिए जो हमारी वेस्टर्न थ्योरी है उसके साथ हमारा मुकालमा हुआ, और वो उस मुकालमे की एक सूरत हमें गुलाम बाग में नज़र आती है जिसमें कबीर अपनी सूरत हाल को बार बार किसी नई थ्योरी में डेवलप करने की कोशिश करता है। ये तो हम पर वाजे है कि मगरब में जो थेरी सामने आई वो उनकी अपनी फ़लसफियाना जो रिवायत थी उसमें से निकली है, जबकि हमारी जो अमूमी सूरत हाल है और फ़लसफ़ा तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि 300-400 बरस से मेरा ख्याल है कि तातुल का शिकार ही है। तो इस सारी अमल में जब हमें एक बैरूनी कुव्वत ने ग़ुलाम भी बनाया, हमारे जहन जो हैं वो ख़ास तरह से ढाले गए, तो इस सब सूरत हाल में हम उस थ्योरी के साथ कैसे मुकालमा जो है वो कर सकते हैं, या उसमें कम से कम नॉलेज प्रोडक्शन का जो है सिलसिला वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। असल में मेरा सबसे बड़ा मसला जो है नॉवल लिखने से पहले कैसे लगते हैं वो इसी तरह का है कि मैं अपनी जो मेरी एजुकेशन है वो साइंस से शुरू हुई और वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, कायनात के बारे में, दुनिया के बारे में, मुशाहिदाती इलम जो है वो सारा सिलसिला। लेकिन उसकी तालीम में मैं आगे इसलिए ना चल सका कि वो इस कदर मायूसकुन थी, और जो बुनियादी बातें सवालात जहन में उभरते थे उनका कहीं मतलब जवाब ही नहीं है, और सारा जोर जो है वो रटेबाजी पे है। तो उससे फिर मैं दो तरफ निकला, एक तो अदब की तरफ और दूसरा फलसफे की तरफ। तो ये सारे जो इंसानी मामलात और तजर्बात हैं ये समहाउ मेरे अंदर यकसा ही हैं, इकट्ठे चलते हैं। तो मेरे लिए ये इशू था कि जो आपने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल जो दौर है, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो भी इसका इस ब्रॉड जो टर्म है इसका मतलब हम लें, तो इसमें ये जो पहलू है कि जो इल्म की मुख्तलिफ जो सतहें हैं, शक्लें हैं, जब वो आती हैं कॉलोनाइज्ड सोसाइटी में, तो उनके साथ वो किस किस्म के अमल से गुजरती हैं, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग थी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ, ये सारा
यानी इस वेस्टर्न थ्योरी जिसको आप कह रहे हैं। अब थ्योरी से भी यहाँ पर जो मुराद है वो थोड़ी वजह ज़रूरी है। एक तो थ्योरी जो है लिटरेरी थ्योरी की मुराद लेते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि थ्योरी एक ब्रॉड टर्म है जो पूरी वेस्टर्न नॉलेज को अगर हम कहें तो वो उसमें आ जाती है। मुझे ये लगा कि हम एक ख़ास किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिसे मैं प्रोडक्ट प्रोसेस कन्फ्यूजन का नाम देता हूँ। कन्फ्यूजन कि हम प्रोडक्ट्स जो हैं वेस्ट की इल्मी मसनुआत जो हैं उसको तो इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उस इसमें अल्यूजन यह है कि एज इफ कि वो आने से, जैसे क्वांटम फिजिक्स आने से या मैकेनिक्स आने से या बायोलॉजी आने से वो प्रोसेस भी जनरेट हो जाएगा कि जिसने कि वो उस थ्योरी उस नॉलेज को पैदा किया। ये नहीं होता। इस बोतल में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं खुल जाती एकदम। तो ये एक ऐसा एल्यूजन है जो हमारे एजुकेशन की अंदर घुसा हुआ है कि जी बाहर से, मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट वेस्टर्न नॉलेज, नॉट एट ऑल, ये नहीं का बात, लेकिन जिस तरीके से वो प्रोडक्ट की शक्ल में आता है और एक बिल्कुल गैर तख्लीकी और अनइमेजिनेटरी तरीके से वो हमारे अंदर से गुजार कर उसको एक ख़ास वक्त के लिए रिटेन करके रिप्रोड्यूस करके आप डिग्रियां लेते हैं, ये आपको कहीं नहीं ले जाने वाला। इससे कोई एपिस्टेमिक प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। तो आप देखें, आप लगे हुए हैं, या अब हायर एजुकेशन में पिछले पता नहीं अब नया ये जो गलगला चला है, कोई एक मुझे दिखा दें, शायद चंद एक माइनर एक्सेप्शन के जो, वो भी उस बंदे की अपनी ज़ाती, अदरवाइज ये सोसाइटी जो है ना तो साइंस को सपोर्ट करती है, ना ही रैशनलिज्म को सपोर्ट करती है, और ना ही नॉलेज प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, जिस मानों में आप कह रहे हैं थ्योरी। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब ये बैकग्राउंड, अब ये फिलॉसफी सोशल एपिस्टेमोलॉजी का मौजू है, ये ऑब्वियसली सोशियोलॉजी का ऑफ नॉलेज का मौजू है, ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का मौजू है। तो मेरे सामने अब इशू ये था कि इसको मैं किस अदबी शक्ल में, लिटरेचर की किस फॉर्म में इस पर कुछ बात कर सकता। तो यहाँ से कबीर का वो एक अजीब गरीब सिलसिला इवॉल्व होता है जिसमें वो वेस्टर्न थ्योरी को मॉक कर रहा, हर रोज एक नया थ्योरी बना देता है। तो इनफैक्ट वो जो उसकी किताबों की पुरानी दुकान है जिसमें वो रहता है, वो ऊपर जो स्टोर बना हुआ है जिसमें रूसी बायोलॉजिस्ट और उसके साथ उधर वो फ्रेंच फिजिसिस्ट और यू नेम इट, सारे जो वेस्टर्न नेशनैलिटीज़ के जो, तो दैट इज़ अ सिम्बॉलिक प्लेस कि विच रिप्रेजेंट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो उसकी एक रिएक्शन है कि जिसमें वो वेस्टर्न थ्योरी को मॉक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहा है। तो मुझे ज़ाती तौर पर इसमें खासी एक होता है ना जो एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन बंदे को होती है, खा वो वहमा ही हो, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा कि आई हैव सम हाउ कैप्चर्ड इट, वो मौजू जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट शक्ल में कहीं फिलॉसफी ऑफ साइंस में भी आ सकता है और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, तो उसको नॉलेज, उसको एक नॉवल की शक्ल में वो लाना। तो ये बिल्कुल एक बहुत अहम इशू है कि अब हुआ ये है कि पिछले 500 साल में कॉलोनियलिज्म के नतीजे में जहाँ पर भी कॉलोनियल पावर्स गई हैं वो साथ अपने वो साइंस को भी लेके गई, टेक्नोलॉजी को भी लेके गई, और ये कल भी हम इस पर थोड़ी सी मैंने बात की थी। ये सबसे अहम बात है कि प्रोग्रेस को अगर आपने करना है जी, कि तरक्की करनी है, तो उसके लिए आप सिर्फ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके नहीं कर सकते। दिस इज एब्सर्ड, देखे ना, अब वहाँ से अगर आप एक गाड़ी इंपोर्ट करते हैं या कंप्यूटर इंपोर्ट करते हैं,
आर यू नेम एनीथिंग, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही अमल है जो कि आप एक लेटेस्ट फिजिक्स की थ्योरी को लाते हैं, मैथमेटिक्स को लाते हैं, बायोलॉजी को लाते हैं, एनीथिंग, वो प्रोडक्ट्स हैं. एंड जस्ट बाई इम्पोर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स टू योर यूनिवर्सिटीज, इट डजेंट मीन, उससे ये मतलब नहीं कि उसमें वो अमल वो शुरू हो जाएगा, नहीं होता. सिस्टम ऑफ रियलिटी आपका वहीं कहीं और रहता है और ये सारे मामलों. तो खैर ये एक अलग इशू भी है, लेकिन फिक्शन की सतह पर उसको मैंने. अच्छा फिर कबीर जो है वो कैरेक्टर का मसला ये है कि वो इसको एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी इस एंग्विश को, कि वो कैसे ये इससे निकलेगा. और वो लिखने का वो यू नो कि दोबारा लिखो पे आता है. दोबारा लिखो भी असल में वही एक पोस्ट कॉलोनियल थीम है. तो अब हुआ ये कि ये वेस्ट का जो सारा नॉलेज है, सिस्टम है, ये जहाँ जहाँ भी गया वहाँ की रवायत में एक अलग ही सिलसिला बरामद हुआ. जापान की मिसाल ले ले. अब ये आपने नावल शायद पढ़ा ही होगा जो मेरा हसन की सूरत है, उसमें वो जो प्रोफेसर साहब हैं जी उनका यही इशू है. जी उनका यही इशू है, बिल्कुल सही, कि वो एक रेनेसांस चाहते हैं. हाँ, चाहते हैं. तो वो रेनेसांस कहाँ से आएगी, उसमें वो जापान से बड़े फैसिनेटेड हैं. तो इनफैक्ट मैं ये अर्ज करूँगा कि मैंने अपनी तरफ से उस तमाम या काफ़ी हद तक उस तमाम अपने जो प्योरली फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, इवन पॉलिटिकल मसाइल हैं उसको फिक्शन के ज़रिए मैंने रिजॉल्व करने या उसके लिए एक एक्सप्रेशन तलाश करने की कोशिश की. बिल्कुल सही. तो अच्छा एक बात सिर्फ, तो वो जो अलग अलग सोल्यूशन बरामद हुए वेस्टर्न थियोरी के ज़रिए या वेस्टर्न नॉलेज के ज़रिए, वो अलग अलग किस्म के हाइब्रिड उसके बने. जापान और इवन अगर हम बरसगीर की मिसाल लें तो यहाँ पर भी बड़ा एक अजीब गरीब अमल हुआ कि यहाँ पर जो दो कौमियतें हैं उनका अगेंस्ट वेस्टर्न थियोरी, वेस्टर्न साइंस, अलग अलग रवैये हैं. तो ये एक और ही मौजू है, फिर इस पर हम बात कर सकते हैं. तो इसमें कुछ मजीद करना चाहें, पूछना चाहें? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा रेलिवेंट है कि अगर हम अपने हमसाए को जो हमारे साथ ही जाहिर है कि सदियों से थे, तो जैसे अभी आपने बात की कि दोनों का जो रिएक्शन था और दोनों का उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट है. मतलब वहाँ हमें अगर होमी भाभा या गायत्री स्पिवाक जो है वो मिल जाते हैं, या बाद में जो नॉवल हैं लिखने वाले और भी, तो हमारे यहाँ इसकी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है. तो ये दोनों जो मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात हैं, अगर हम इस पर बात करें तो मेरा ख्याल है कुछ और रोशनी जो है वो हमें मिल सकती है. होमी भाभा, गायत्री और वो यंग और ये सारे जो लोग हैं ये वेस्ट फ्रेंच थ्योरी से, फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म से मुतासर हैं. और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा ओरिजिनल तीर नहीं मारा. दे आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ डेरिडा एंड यू नो बाकी जो सारे. तो अच्छा है, लेकिन दिस इज इट. उन्होंने लेकिन उसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है उसका जो काम है, क्या नाम है जो साइंस पे भी थियरिस्ट उसने, कोहन, थॉमस कोहन, नहीं 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 इधर आपके हमसाया मुल्क जो है आशीष नंदी. आशीष नंदी, थैंक यू. तो उसका काम ज़्यादा अहम है. इसी तरह जो सबाल्टर्न स्टडीज का काम रंजीत गोहा है. हाँ, पार्थ चटर्जी गोहा है. यस, तो ये जरूरत ये है कि इस प्रोडक्ट प्रोसेस एल्यूजन से, ये टर्म मैंने कॉइन की है जी जी जी, और मैं करता रहता हूँ. व्हाई नॉट जी जी जी, कौन पूछता है जी? नहीं, वो पूछ तो रहे हैं कल से. वी शुड बी फ्री अबाउट सेइंग आवर ओन थिंग्स. देखिए मसला यही सबसे बड़ा है, हम लोग एक कल्चरल डिमेंशिया का शिकार हैं. दिस इज अनदर टर्म जी, डिमेंशिया, यू नो वेरी वेल. तो वो सकाफती सतह पर ना एक सिलसिला गड़बड़ है बहुत. उसमें आसान हल के जी ज़हनी फ़िज़ा बदलनी होगी, ये करना, वही वो किसी आर्डिनेंस से तो नहीं होगा ना जी जी. अगर इसी तरह चला तो दुनिया का जबर आपको कोई 50-60 साल में ले आएगा वहीं पे पकड़ के जी जी. बट आई थिंक कि जो जो हमें करना चाहिए वो ये है कि इसको कोशिश करें कि कुछ बात को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं. ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि रट उसके अंदर ही फंसे रहते हैं. आई एम सॉरी टू से, शाह साहब ने बड़ी कोशिश कर रहे हैं
लेकिन बिलअमूम हमें ये जो कॉन्फ्रेंसेज इज्तिमाहात हैं इसको भी क्वांटिटीज इसकी बनाने की बजाय इसको थोड़ा क्वालिटेटिवली भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। जी सर, बात करें। वो सर कल भी यहाँ बात हुई और आपने भी जो बात की, मतलब ये कि हमें कोई नया हल ढूंढना है। एक कल जो नॉवल पे बात हो रही थी उससे हमें ये लग रहा था कि शायद नॉवल एक ऐसी फॉर्म है जो हमें इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ ये कि समझने का बल्कि उससे निकलने का कोई जो है वो हल दे सकता है। अच्छा, उसमें ये है कि आपके अगर मसलन हम नॉवल देखें तो उनमें एक थीम जो है वो रिकरेंट है, लिखना, लिखने का अमल और ख़ुद मुसन्निफ़ और नॉवल जो है जिसको हम मेटाफिक्शन भी जो है वो कहते हैं कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव जो है वो हो जाता है। तो क्या ये एक नया बयानिया दरियाफ्त करने की कोशिश है जो हमारी सिर्फ सूरत हाल को समझने के लिए महज नहीं है बल्कि हमें कोई रास्ता, ठीक है, जो सुरंग में दूसरी तरफ हमें नज़र आ सकता है, क्या कि वो ऐसी कोशिश है, ये प्रोसेस जो आपके लिए है सर? इसमें दो सवाल आपके हैं। एक तो ये कि नॉवल की जो फॉर्म है क्या ये हमारे फिलोसॉफिकल क्राइसिस को, जी, और बाय द वे आई थिंक के मुस्लिम वर्ल्ड का क्राइसिस है ही फिलोसॉफिकल क्राइसिस। क्या बात, इसके पूरा इस पे आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो वो जो क्राइसिस हैं हमारे एपिस्टेमोलॉजिकल हैं, इल्मियाती हैं, इसको हम वेस्टर्न मॉडल के अंदर पूरा शायद नहीं कर सकते बल्कि हमें अगर हम नॉवल की फॉर्म को अडॉप्ट करें तो उसमें ज़्यादा इम्कान आता है। और ख़ास तौर पर नॉवल के अलावा ऑटोबायोग्राफी एक और जी चीज़ है जो हमें हमारी अपनी जो लोकेशन है उसमें से फूटने वाले मसाइल से, यानी उसकी एक क्रिएटिव डायमेंशन जो है वो सामने ला सकती है। तो ये एक यानी चॉइस ज़रूर मौजूद है इसको डिस्कवर करने का। फिलोसॉफिकल या कंसेप्चुअल नावल या क्या कहते हैं उसको, कैंपस नावल, ये सारे इस किस्म की चीज़ों को करते हैं डील। हमारे यहाँ अभी बहुत ही इब्तदाई सतह पर लोग एक दूसरे को उस बाइनरीज में, जैसे कल पॉपुलर और अनपॉपुलर, संजीदा और गैर संजीदा, ये चीज़ें इससे बियॉन्ड जाने का अब ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि बिल्कुल नावल की फॉर्म इतनी एक्सपेंसिव है, वो अब नावल में कोई पाबंदी नहीं है, नावल आपको मुकम्मल आज़ादी देता। अब ये आप पर है कि वो उस आज़ादी को कबूल करते हैं या नहीं। और जैसे उसने कहा सार्थ ने कि फ्रीडम जो है वो खौफजदा करता है ना बंदे को, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो इसलिए ये मुश्किल है। दूसरी बात जो है ना वो ज्यादा एक और सतह पर इंटरेस्टिंग है कि ये सब मेरे तमाम राइटिंग्स में ये रेकर करती है, ये मेरा पता नहीं मसला भी है कि राइटिंग अबाउट राइटिंग, रिफ्लेक्सिविटी जिसे कहते हैं, टर्निंग बैक ऑन योर सेल्फ, अक्स दर अक्स जिसे कहते हैं। तो मेरे सामने आईने के सामने आईने का मॉडल रहता है जो इन्फिनिटी को ट्रांसेंड करता है। तो अब ये कल थोड़ी बात हुई थी कि लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ डिजिटल जो ये जो सारी नई वर्ड बन रही है इससे शायद क्रिएटिव तौर पर निपटने के लिए रिफ्लेक्सिव मॉडल या मेटाफिक्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गई। और यानी ये महज एक ऑड चॉइस नहीं रहा कि कोई बंदे लोग ऐसा करते हैं बल्कि शायद दिस इज़ ए रिक्वायरमेंट नाउ। तो उस सतह पर रिफ्लेक्सिविटी पर्सनली मेरे लिए हमेशा फैसिनेट करती है। तो इसमें एक और इशू भी है कि वो ये है कि जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ अनकहा अनलिखा भी चल रहा होता है। अब हम बात कर रहे हैं जी। तो इमीडिएटली राइट देयर इन योर माइंड कुछ ऐसा चल रहा है जो अब नहीं बोल रहे। तो ये बोला हुआ, कहा हुआ अनकही में से निकला है। तो मुझे ये ख्याल आता है, या कभी कभी बहरहाल,
कि ये जो नहीं कहा गया इसकी भी तो कोई पूछ पड़ताल तो होनी चाहिए ना, तो कभी कभी सामने आना या बयान में आना चाहिए। तो ये जब एंगल आता है तो वो फिर जो टेक्स्ट जनरेट होती है वो रीडर को बड़ी ऑड लगती है, उसको वो जो अभी उसी अरिस्टोटलियन कर्व में फंसा हुआ, तो वो उसका मसला है। तो कल एक अच्छी बात ये भी हो रही थी कि राइटिंग जो नई आएगी तो उसके साथ नए किस्म के कारी भी जनरेट होंगे। तो अभी ये हम मुल्तान शहर के अंदर जब फिर रहे थे तो वो हमें कंप्यूटर इंजीनियर साहब मिले, तो आई बस उसने उन्होंने मेरी मतलब किताबें पढ़ी हुई जी जी, तो वो अब मुझे खुशी हुई इस बात पे कि वो कंप्यूटर एंड ऑल दैट जो है वो बड़ा रेलेवेंट था उस बंदे के लिए एंड एवरीथिंग। तो ये मामलात है इस तरह नावल की, ये जो दोनों डायमेंशन हैं ये पर्सनली शायद मैं कोशिश करूं कि वो नावल जिसको कैंपस नावल कहते हैं या यूनिवर्सिटी नावल कहते हैं, तो शायद अगर जिंदगी जारी रही कुछ अरसा तो हिम्मत रही तो मे बी आई राइट समथिंग तो ऑन दिस लाइन आल्सो। जी जी। अच्छा, अभी आपने बात की कि नावल के साथ साथ जो है ना बायोग्राफी भी एक ऐसा हमारे पास इम्कान है जिसमें हम ऑटोबायोग्राफी। अब आपका जो लेटेस्ट नावल अभी आया है खफीफ मकवी की ख्वाब बीती, उसमें भी मेरा ख्याल है कि आपने ये कोशिश की है और बड़ी कामयाब मैं तो समझता हूँ कोशिश है कि एक बंदा जिसने एक ज़िंदगी गुजारी है वो खुद आप बीती लिखना चाहता है लेकिन उसको वो बात शायद उस तरह से बातें अपनी और या मेमोरी के साथ अपनी वो खेल रहा है तो उसको याद नहीं आ रही, तो अब उसको पता चलता है अपने असिस्टेंट के साथ मिल के कि उसने बहुत सारे वाक़यात जो हैं, और वो एक ऐसा शख्स है जो पैरा साइकोलॉजी का एक तरह से प्रैक्टिशनर है या उस पर यकीन रखता है, तो उसमें लेकिन वहाँ एक जुमला बड़ा दिलचस्प आपने लिखा कि हर आप बीती एक तरह से ख्वाब बीती होती है। हाँ। तो जब आप लिखने लगते हैं तो उसको आप एक तरह से रिलिव करते हैं। तो अब अगर आप बीती लिखेंगे जैसे आपने इसमें किया, तो क्या ये यही कोशिश थी कि एक ऐसा बयानिया तलाश किया जाए कि वो जो हमारा एक मसला है उस मसले को या उसकी कुछ डायमेंशन जो है वो हमारे सामने खुल के आए। लेकिन उसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसमें ऐड करें कि एक वो बंदा है जैसे जो कबीर है वो एंगेज कर रहा है ओवरऑल पूरी वेस्टर्न थ्योरी के साथ, लेकिन जमान जो है या सुल्तान वो थ्योरी की बजाय एक ख़ास तरह का नॉलेज है जो वेस्टर्न जिस पे खुद वेस्ट में एक वेस्टर्न नॉलेज जिस पे खुद वेस्ट में भी एक बहस मौजूद है कि ये नॉलेज है भी या नहीं है, तो उसके साथ एंगेज करता है। अब एक आपने ये काम किया कि अपने जितने भी नावलों में जो गोरा करेक्टर आया है वेस्टर्न का उसमें मुझे लगता है कि ये शौरी था ये लाशौरी, लेकिन ये कि ब्रिटिश नहीं आया जर्मन आ गया इसमें फ्रेंच है, तो अब वो फ्रेंच का जो एक बिहेवियर है कि एक लोकल इन्फॉर्मर तो मौजूद है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक मशीन है जो आपको डाटा देती है, उसकी यही हैसियत होनी चाहिए। बट आपके नावल में हमें ये पता चलता है कि जो लोकल कोई भी लोकल शख्स है वो अगर किसी वेस्टर्न जो है एकेडेमिया को अगर कोई नॉलेज या डाटा प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ डाटा नहीं देता, उस डाटे को वो प्रोसेस भी करता है, उस पर एक इंटरप्रिटेशन भी देता है। तो अब एक वो आप बीती लिखना चाह रहे हैं कि उस आप बीती के साथ साथ वो एंगेजमेंट जो है वेस्टर्न, यानी हम सिर्फ एक इन्फॉर्मर नहीं हैं हम इंटरप्रेटर भी हैं, तो ये जो हुआ ये कैसे जरा? हाँ, ये असल में उसी तसलसल में है, ये जो नया यानी लेटेस्ट है छपा हुआ नावल खफीफ मकफी की ख्वाब बीती, वही जो थ्योरी की बजाय इसके लिए वही फिर जो प्रोडक्ट प्रोसेस की बात है। तो ये शुरू से आप चारों किताबें उठा लें तो उसमें आपको वेस्टर्न प्रोडक्ट्स मिलती हैं। पहले में ये जनरलाइज थ्योरी है एज ए होल वेस्टर्न नॉलेज है, दूसरे के अंदर दो तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक तो जो फिल्म है, अब फिल्म भी बाहर से आई है जी जी। अच्छा, उसके साथ साथ फिर तो आर्ट की मूवमेंट्स हैं, मसलन डालाइज़म है या सरलिज़म है, वो फिल्म ग्रुप जो बनाना चाह रहा है कि ऐसी फिल्म जो नहीं बन सकती। अच्छा, उसके साथ साथ फिर यही अगेन ये हसन की सूरत हाल में है, तो उसके साथ ये जो यही डिजिटलाइजेशन और उसका सारा वो सिलसिला, तो ये एक प्रोडक्ट है। और यही उससे पहले जो सिफर से एक तक है जो मैंने एलन ट्यूरिंग के नाम पे किया था तो वो लोगों को अजीब लगा, लेकिन ये कि उसमें वो जो बाइनरी सिस्टम है
कि वही डिजिटल सिस्टम जब यहाँ आया और वो ज़मीनों के मुंशी जो पुराने ज़माने के थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया तो कैसा एक इनकलाब आया। बाय द वे आई डोंट नो ओके इस तरह का ये शुरू हुआ प्रोसेस। जी जी लैंड रिकॉर्ड जो है वो हो गया डिजिटाइज। अच्छा तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस बनी यहाँ पर या तो उसके नतायज क्या बरामद हुए। और इसमें जो लास्ट है इसमें ये पैरासाइकोलॉजी है, पैरानॉर्मल का एक फिनोमेना जो बाय द वे मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरा जाती एक ज़माने में बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें और जो कुछ मुयसर था वो पढ़ा और वो सारा। तो फिर मैं एक ऐसे जगह पे आ गया जो टोटल अनसर्टेनिटी थी कि नीदर वी कैन बिलीव इट नॉर रिजेक्ट इट। तो इस तरह का सिलसिला तो वो एक बहुत सारा ना मेरे अंदर फंसा हुआ था। तो पैरा साइकोलॉजी, पैरानॉर्मल, साइकिक फिनोमेना, साई फिनोमेना, पोल्टरगाइस्ट एंड प्रीकॉग्निशन एंड यू नेम इट, तो ये सारा कुछ जो है ये सारी अगेन वेस्टर्न प्रोडक्ट्स ही है ना। अच्छा अब उसके साथ उसके पैरेलल जो हमारे यहाँ है वो बड़ा हम जानते हैं भूत प्रीत हैं या आमल हैं, काला इल्म है, जादू है, यू नो सब कुछ है। तो ये एक बड़ा मेरे लिए फैसिनेटिंग था कि ये दोनों अब ये प्रोडक्ट जब याद आएगी तो वो मिस्यू लॉफां जो है चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज से मेरा पुराना ताल्लुक रहा तो वो मुझे फैसिनेट करता था, मैंने उसको पकड़ के एक बना दिया। इस पे लोगों ने वैसे कहा कि ये बंदा इसके हर नावल में एक गैर मुल्की क्यों आ जाते हैं। वो भाई गैर मुल्क इसलिए आते हैं कि गैर मुल्क से इल्म भी आ रहा तो ये क्या फ़र्क पड़ता। एनीवे ये एक मुमकिन है बड़ा जायज़ एतराज़ हो तो ये उस तसलसल में है। ये उसमें अलबत्ता ये दूसरी जो चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती रही वो यही थी कि ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखने का अमल है ये किस इसकी इसकी इंटरनल फिनोमिनोलॉजी क्या है। अब ये मुझे मतलब अब जब बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है या फिर वो अच्छे काम करता है तो उस बेचारे को ये तो नहीं पता होता कि एक दिन वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि उसको एक खुद नविश्त लिखनी पड़ेगी और वो एक वो सब कुछ तो भूल भुला चुका होता ना। या तो ये हम कर दें कि जी डायरी हर बंदा रखे ताकि बाद में अगर आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं और खुद ऑटोबायोग्राफी लिखते तो खैर ये सारा इशू जो है कि किस किस हद तक ये सारी जो सूरत हाल है ये यानी इसको कैसे समझेंगे। तो वो ऑटोबायोग्राफी और मेमोरी यू नो उस किताब में शुरू में मैंने कुछ कोट्स किए हैं जो मेमोरी इंसान की याददाश्त तो वो खफीफ मखफी जो है वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है ये जो सारा सिलसिला है यही जो फिनोमेना है तो उसका जो एक रिश्ता उससे मिस्यू लॉफां जो कि अपनी जगह पर एक अजीब व गरीब कैरेक्टर तो वो जब सारी उम्र उसने इस तरह के मामलात में और हैरत अंगेज किस्म के वाक़यात और ये और वो में गुजारी है साथ उसके वो जो मुलाजम है मोहकमदीन जो मोहकमदीन तो अब जब वो लिखने बैठता है तो वो उसको याद ही नहीं आ रहा कि ये मैंने 10 साल पहले ये फलाम बात जो हुई थी तो वो क्या थी। लेकिन वो जो उसका साथ है जो उसका सांचो पांडा है जी 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 वो साथ है वो अब उसके पास वो सारी चीज़ें सम हावर नदर जो उसने हिसाब किताब लिखने में या कि जी वहाँ हम जिन निकालने गए तो क्या हुआ एंड सो ऑन। तो ये सारी जो फिर उसके एक मेथडोलॉजी की मुसीबत पड़ती है इसको कि ये मैं कैसे लिखूं तो उस पर वो एक इनकशाफ होता है एक इल्हामी सा के तमाम आप बीती असल में ख्वाब बीती है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आता है याद उसको लिख दो और जो ख्वाब जैसी बात है इट्स ओके। तो वो एक तरह की मतलब है उस पर एक कमेंट सा भी है और एक फनी सिचुएशन भी है। जी जी तो मुझे इशारे हो रहे हैं बार बार मेरा ख्याल है कि अच्छा टाइम ख़त्म हो गया ठीक है जी परफेक्ट। तो हमारी ख्वाहिश तो ये थी और ज़ाहिर है कि आप सुन रहे हैं जिस नहमाक से दिल नहीं है कि इसे ख़त्म किया जाए और ये भी ख्वाहिश थी कि आप लोगों से भी सवालात लिए जाते लेकिन यही मुमकिन था इतनी उजलत में। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत डिस्कशन। इसके साथ हम अगले सेशन की जानिब बढ़ते हैं।